अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना जब पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मवाना को लाइन हाजिर कर दिया। आपको बता दें कि घटना मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र के काल गांव की है, जहां 11वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग युवती के साथ रेप होने का मामला सामने आया था। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में परिजनों ने एक ही दिन में कई बार अलग अलग आरोप लगाकर तहरीर दी थी, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन युवती का जब मेडिकल परीक्षण करवाया गया तो मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए 65 साल के जिस बुजुर्ग पर रेप का आरोप लगाया गया था उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी मामले को लेकर परिजन पुलिस पर बार बार दबाव भी बना रहे थे। उस वक्त पुलिस अधिकारियों का कहना था कि गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश है। माना जा रहा है कि इसी रंजिश को लेकर एक पक्ष पर दबाव बनाने के लिए मुकदमा लिखवाया गया था। अब युवती ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली तो पुलिस अपनी कुंभकर्णी नींद से जागी और आनन फानन में कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मवाना को लाइन हाजिर कर दिया। रेप पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचाया गया, जहां ग्रामीणों और मृतक के परिजन ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं परिजन बेटी की मौत का सफा जिम्मेदार आरोपी और पुलिस दोनों को मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो हमारी बेटी अभी जिंदा होती। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस मामले में देखते हैं क्या कहना है मेरठ के एसएसपी अजय सहानी का और मृतक के परिजन का। ये एक जनपद मवाना में सूचना प्राप्त हुई थी डायल 100 के माध्यम से कि एक 17.5 साल की लड़की है जिसने आत्महत्या कर ली है आज शाम में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और उसमें ये मामला संज्ञान में आया। परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की ने लटक के आत्महत्या कर ली। हम लोग आए तो ऐसा पता चला। परिजनों का ये भी कहना था कि एक मुकदमा उन्होंने लिखवाया था, एक 65 वर्ष के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, रेप का मुकदमा था। पुलिस द्वारा लड़की का जो मेडिकल कराया गया था उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, किंतु फिर भी अभी उसमें विवेचना प्रचलित चल रही थी और उस संबंध में परिजन कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट आ गई जिसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मृत्यु का कारण क्या है इसको जांच सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम हेतु बाड़ी को भेज दिया गया है। और ये भी तथ्य एक सामने आया कि उस जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसके साथ साथ उसी दिन के 3 अलग अलग तहरीर दिए गए, जिसमें किसी में मारपीट का जिक्र किया गया, किसी में प्रथम दृष्टया पाया गया कि आपसी कोई प्रधानी का विवाद था जिसको लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुलिस टीम विवेचना कर रही है। प्रभारी निरीक्षक मवाना को इस पूरे मामले को अब तक शॉर्ट आउट न करने और गंभीरता न बरतने के कारण थाने से हटा दिया गया है। आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमवीर है जी। ओमवीर जी, क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ में, क्या घटना हुई? मेरी बच्ची पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी और अच्छे नंबर से पास थी और रेस में भी बढ़िया पास थी, लेकिन एक दरिंदा मेरी बच्चों की तरफ गलत निगाह रखने लगा। आते आते उसने ऐसा काम कर दिया कि एक दिन हम जंगल में गन्ना छीलने मजदूरी पे गए और वो मेरे घर में आके तमंचे के बल पर जल्दबाजी में बलात्कार करके चला गया। जल्दबाजी में कौन था वो? बिरजपाल जी। इस बात की शिकायत आपने पुलिस में की? बिल्कुल की। क्या पुलिस की तरफ से क्या आपको कार्रवाई? पुलिस की तरफ से हमें कार्रवाई नहीं मिली। पुलिस और हमें धमकी देने घरों आ रही है। हमारे से बयान दे रही किधर को आया था, किधर को गया था, कौन से कपड़े थे, क्या था और हमारी आज क्या हुआ फिर? आज लड़की साथ में जब मैं घर पहुंचा तो मेरे ऊपर के दोनों कॉर्ड खुले हुए थे और मेरी लड़की लटकी हुई थी। मैंने सोचा कि मेरी लड़की क्या पता जिंदी हो। मैंने एक हाथ से गोदी में उठाकर एक हाथ से गांठ खोलकर उसे तलाता पानी पियाया तो लड़की मेरी मर चुकी थी। कोई चिट्ठी विट्ठी मिली लिखी हुई? कोई कारण बताया उसने क्यों? कोई चिट्ठी विट्ठी कोई नहीं मिली। अब तक कोई पुलिस अधिकारी आपसे मिलने या कोई आया? बस अधिकारी तो जब लड़की मेरी मर चुकी तो जब जा रहे हैं अधिकारी, फिर तो लाइन लगा दी, फिर कोई नहीं। उस दिन तक किसी ने देखा कि मेरी लड़की के साथ में क्या हो रहा। मेरी लड़की की स्कूल में जाना बंद था, मेरी लड़की डर रही थी स्कूल में जाती वही पापा मुझे मारने की धमकी दे रखी। बस जी एक ही था, वो बिरजपाल ही है फिलहाल तो, लेकिन उसका बस। अच्छा, आज जो बच्ची जैसे लड़की मिली है, हाँ जी, तो इसमें आपने सूचना पुलिस को तुरंत दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी। सब काम हमने अपने बच्ची के साथ में रेप घटना हुई थी, कौन सी तारीख में हुई थी, कब हुई थी? 19 तारीख टाइम 2 बजे था जी। कोल वाले मामले में लड़की है सानू, ये नाबालिग लड़की है 16 वर्ष की। इसका पिछले महीने में इसके साथ रेप हुआ और रेप के बाद में आरोपी से धमकी दे रहे थे मुकदमा वापस लेने के लिए।
अब सच्चाई तो कह नहीं सकते, सच्चाई तो पोस्टमार्टम के बाद आएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मरी है या मारी है, ये तो सच्चाई पोस्टमार्टम के बाद में आएगी। आज ये इसका जो है फांसी से लटका हुआ, फंदे से लटका हुआ शव मिला है घर पे, परिजनों ने बाहर थे जंगल में आके बाद देखा और फिर पुलिस को सूचना दिया, पीएम पे गई है ये। ये पिछले महीने 19 तारीख की 19 जनवरी की घटना थी और एक गांव के ही एक लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, ये ब्रजपाल सिंह, एक आरोपी ब्रजपाल सिंह। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।